बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कास्को गई थी और वहाँ इतने फ्रेश तरह के ये ऑलिव्स थे, बहुत ही तरह के फिलिंग वाले थे, ग्रीन थे और ब्लैक थे, सारे बहुत ही हेल्दी काइंड के ऑलिव्स थे। मैंने कहा मैं देख रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये उबले हुए अंडे भी थे, बहुत तरह के ड्रिंक्स हैं, आपको जैसे भी पसंद हो, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कोक्स हैं, सारी आप कोई भी वहाँ से ले सकते हैं, बल्क में मिलते हैं और आपको इसका इतना फ़ायदा होता है कि आप बाकी जगहों से यहाँ सस्ते होते हैं। ये पेपर टॉवल वहाँ बहुत ज़रा तरह के हैं, आपको चीपर मिलेंगे आउटसाइड की निस्बत और बाकी जगहों से, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होता है। सिर्फ आपको वहाँ की लेनी पड़ती है मेंबरशिप, और उसके बाद ये नमक है जो कि यहाँ स्नो बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी, और उसके लिए ये नमक अलग से है। आपको ये गार्बेज बिन मिल जाएंगे, आपको खाने पीने की चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, हर तरह की चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। पास्ते बहुत तरह के मिलते हैं, फ्रेश लीमू और फ्रेश चीज़ें, ब्रेड हर तरह की आपको मिलती है। लोग इतने यहाँ ख़रीदने आते हैं क्योंकि ये बहुत ही शानदार कास्को, बहुत बड़ा स्टोर है, हर चीज़ अवेलेबल है इसमें। आपको बहुत तरह के पके पकाए पास्ते भी मिल जाते हैं, सुशी भी मिल जाती है, और 100 डिफरेंट काइंड के चीज़ आपको मिल जाते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। हलाल चिकन, हलाल बीफ, हर चीज़ अवेलेबल है। दूध मिल जाते हैं ऑर्गेनिक, अंडे ऑर्गेनिक मिल जाते हैं, आप कई तरह के हैं, ऑर्गेनिक भी मिल जाते हैं, रेगुलर भी मिल जाते हैं, और यहाँ फूल भी बड़ी तरह के आपको मिलते हैं। आप हर तरह के पौधे, हर चीज़ यहाँ, घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो यहाँ सारी अवेलेबल है। आप ज़रूर जाएं यहाँ, चक्कर लगाएं और आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है। मैं गई, मैंने एक प्लांट लिया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, एलोवेरा भी यहाँ से आप ले सकते हैं, मुझे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए चाहिए होता है। लुक एट दिस, बहुत ही शानदार एलोवेरा, हेल्दी है। और ये सारी तरह के यहाँ सैलड हैं, ये सुशी है जो मैंने अभी आपको बताया था, सुशी जो है ये यहाँ बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिलती है। अगर आप मुख्तलिफ स्टोरों पे जाएं तो बड़ी महंगी मिलती है, यहाँ सस्ती मिलती है। श्रिम्प हैं, ये अनकुक भी मिलते हैं, बग़ैर कुक किए हुए मिलते हैं, और कुछ कुक किए हुए भी मिलते हैं। लुक एट दिस, ये वाला कितना शानदार लॉबस्टर है, लॉबस्टर भी आपको मिल जाते हैं। मछली बड़ी डिफरेंट काइंड की, स्नैपर, तलापिया, बहुत डिफरेंट काइंड की मिलती है, ड्राई भी मिलती है। ये बीफ का है, और बहुत तरह की मछली, ओपन और छिलकों समेत भी, और उसके बाद बग़ैर कांटों के भी, कांटों के साथ भी। और ये सैलड है जो कि कुक्ड श्रिम्प का है, ये भी झींगे का सैलड है, उसके साथ उन्होंने रखी हुई, आप फौरन स्नैक करते हुए जा सकते हैं। इसमें $5 की बचत थी उस दिन का, मैंने तो नहीं लिया था। ये वाला चिकन है, उसके अंदर चिकन ब्रेस्ट के अंदर उन्होंने डिफरेंट वेजिटेबल डाल के रखी हुई हैं, आप ले सकते हैं। और ये बहुत तरह के यहाँ बेगल हैं, आप एक पैकेट $7 तक का मिलता है, और ये मफिन बहुत तरह के यहाँ से मिलते हैं, आप मफिन भी ले सकते हैं। ये कैरेट मफिन है, और बहुत तरह के कुकीज़ भी मिलते हैं, आप ले सकते हैं और फिर पूरा वीक इंजॉय कर सकते हैं। ये गोश्त है यहाँ मिलता है, ये हलाल भी मिलता है, रेगुलर भी मिलता है, आप ज़रूर यहाँ जाके, ये इतना फ्रेश होता है क्योंकि यहाँ फ्रेश ही ज़िबा किया जाता है और फ्रेश फ्रेश ही आपको दिया जाता है। और ये देखें, लॉबस्टर की टेल है, आपको हर तरह की, और ये श्रिम्प थे, और काफ़ी बड़े साइज़ के श्रिम्प थे, और ये मछली थी, तिलापिया है, और सारी तरह की मछलियाँ हैं। इतने फ़ायदे हैं इनके, आप लें बड़े साइज़ की, बल्क साइज़ की, आपको सस्ती मिल जाती हैं यहाँ से। और ये देखें कितनी तरह के यहाँ से केक मिलते हैं, और इतना सस्ता कहीं से केक नहीं मिलता जितना सस्ता यहाँ कास्को से मिलता है। ये बड़े वाला भी सस्ता मिलता, चीज़ है, और सारी तरह के केक आपको वहाँ से अवेलेबल हैं। और बहुत सारे ये देखें बंस हैं, ये आप यहाँ से इकट्ठे ला सकते हैं और फिर आप अपने खाने के साथ इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप बनी बनाई चीज़ें भी ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ जॉब करते हैं लोग,
तो उनके पास टाइम कम होता है, और ये वाली गचक तो बेहतरीन है। इसमें सारी तरह के नट्स डाले हुए हैं, और तो और नमक पारे भी मिलते हैं यहाँ से। देसी लोगों ने यहाँ भी अपना सारा रंग जमाना शुरू कर दिया। देखें ये वाले जो हैं नमक पारे, स्पाइसी भी हैं और सिर्फ सॉल्टी वाले भी मिलते हैं। हर तरह की चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, फल हर तरह के मिलते हैं, और साथ साथ चीज़ें इकट्ठी किए जाते हैं, और आप जो चीज़ आपका दिल चाहे वो आपको अवेलेबल होगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ कटे कटाए सैलड मिल जाते हैं, फ्रूट्स धुले धुलाए, स्ट्रॉबेरीज इकट्ठी काफ़ी बड़े बल्क साइज़ में मिल जाती हैं, ला के आप अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। सैलड इतनी तरह के वहाँ मिलते हैं, ये देखें इकट्ठा आपने टू गो आप जा रहे हैं तो आप इकट्ठा ये सारा कुछ हुआ हुआ, बीच में सॉस भी है पकने, और रास्ते में जाते हुए स्नैकिंग करते जाएं, ये देखें ये वाला आपको पाइनएप्पल मिल रहा है, और ये वाली जो है फिग्स मिल रही हैं। सारी चीज़ें आपको खाने पीने वाली यहाँ से मिलती हैं जो आप लेंगे। और आपको अंगूर देखें ये कितने शानदार फूल हैं, और ये चेरीज हैं ऑफ सीज़न के फल, सीज़न के फल, और ये गाजरों का पैकेट। ये तो मैं लाई हूँ क्योंकि मैंने गाजर का हलवा बनाना है, मेरी बेटी का दिल चाह रहा था, और आधे का मैं जूस निकाल लूँगी ताकि सारे उसको भी इंजॉय कर सकें। और ये देखें क्या क्या आपका जिस तरह दिल तो चाहता है पूरा स्टोर ही ख़रीद लें, क्योंकि इतनी अच्छी फ्रेश और ताज़ा चीज़ें यहाँ मिलती हैं कि आप ज़रूर जाएं और मेरे कहने पे एक दफ़ा विज़िट करें आप। और ये अजवा खजूर, सॉरी अजवा नहीं है, ये मझूल डेट है, और अमरूद देखें कितने शानदार हैं। ये भी मैं एक पैकेट लाई थी, बड़ा मज़े के और बड़े बहुत ही फ्रेश। और ये वाले आलू बुखारे भी हैं। लीमू का देखें कितना बड़ा पैकेट मिल रहा है। लीमू आप ले लें और इसके बाद उसका जूस निकाल के फ्रीज कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। टमाटर देखें कितने शानदार हैं, ये वाइन टमाटर हैं, ये भी वहाँ से मिलते हैं। सैलड वाले बड़े टमाटर, ये चेरी टमाटर हैं, ये भी वहाँ से मिलते हैं। आप जाएं और आप कहेंगे कि मैं पूरा स्टोर खरीद लाऊं, इतना ये ब्रेड है, शुगर वालों के लिए लहदा ब्रेड है, और जो रेगुलर के लिए लहदा है। अनार देखें पूरा पैकेट है, ये आप इकट्ठे ख़रीद सकते हैं, ख़रीद के लाएं और फिर इसका जूसिंग करें या वैसे खाएं। पीछे देखें वाटरमेलन भी है, तरबूजा भी पड़ा हुआ है, खरबूजे भी मिलते हैं, और ये बेल पेपर है, शिमला मिर्च मुख्तलिफ रंगों की बल्क में मिलती हैं। लाएं आप इनको काट के फ्रीज कर लें या ऐसे भी रख लें, हफ्ते के लिए आपकी ख़राब नहीं होंगी। और ये बड़े साइज़ में हमें छोटे साइज़ के जो मिलते हैं क्यूक्यूम्बर वो भी हैं, खीरे हैं बड़े साइज़ के भी हैं, तीन खट्टी की पैकेट में भी हैं, छोटे साइज़ के स्नैकिंग वाले भी मिलते हैं। आप कोई भी ले कर आएँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप और ये देखें प्याज मिलते हैं बड़े बल्क साइज़ में, और ये शकरकंदी मिलती है, आलू मिलते हैं, आपका जो दिल चाहे सुई से लेके धागे तक एवरीथिंग आपको वहाँ मिलेगी। आपको ज़रूर अच्छी लगी, आई होप ये मेरी छोटी सी व्लॉगिंग की कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। और ये वाले जार इतने शानदार वहाँ से मिल रहे थे, आप इनमें अचार डाल सकते हैं, पिकलिंग कर सकते हैं, आप इसमें अपनी चीनी मुख्तलिफ चीज़ें रख सकते हैं, बहुत ही शानदार हैं। जो भी आपको चीज़ चाहिए वो यहाँ सारी अवेलेबल हैं। और ये उसका जो पिज़्ज़े की डो का बने हुई रोटी, आप इसके ऊपर पिज़्ज़े की बाकी सारी चीज़ें लगा के बेक कर सकते हैं। और ये नान भी अवेलेबल हैं, होल व्हीट के भी वहाँ अवेलेबल हैं, और रेगुलर भी वहाँ अवेलेबल हैं। केले बल्क साइज़ में मिलते हैं, ये 167 का पूरा पैकेट मिल रहा है। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छा लगा होगा। और उसके बाद मैंने जो केले भी एक मैंने पैकेट ले लिया था, और उसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं देखें ये वाली, ओ माय गॉड, ये बंस मुख्तलिफ तरह के होल व्हीट मिलते हैं, दूसरे मिलते हैं, और ये सेसमी की ब्रेड मिलती है, फिर उसके बाद फ्लैक्स सीड की मिलती है। ये वाली जो है शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी है, वेट वॉचर की ब्रेड मिलती है। इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं कि आप लेंगे और आप इंजॉय करेंगे। और यहाँ बर्तन बड़े शानदार मिलते हैं, बर्तन जो हैं बहुत तरह के, बेकिंग की ट्रे यहाँ अवेलेबल हैं, आप $25 की तीन चार ट्रे इकट्ठी मिल जाती हैं। ये कवर वाले आपको बॉल मिल जाते हैं, कोई चीज़ आप लेके फ्रिज में रख सकते हैं।
ये ड्रिंक्स की बॉटल मिलती हैं और भी बहुत हर चीज़ आपको मिलती है। और ये नमक मिर्चों के लिए आप बड़े डब्बे यूज़ कर सकते हैं, दालों के लिए डब्बे यूज़ कर सकते हैं, ये भी वहाँ अवेलेबल हैं। बहुत चीज़ें मिलती हैं वहाँ जब आप जाएं, और आप कोशिश किया कीजिए कि जो सेल पे चीज़ें हों वो ज़्यादा ट्राई करें। और यहाँ एक चीपर ये वाले डिब्बे जो हैं, ये भी मैंने एक पैकेट लिया था आपके घर के फ्रिज में रखने के लिए, सब खाना बचे हुए और स्ट्रॉबेरी वगैरह धो के आप इनमें डाल के रख सकते हैं। बहुत सारे प्रेशर कुकर भी मिलते हैं, बहुत इतनी चीज़ें हैं। आप जाएं तो ग्रिल बड़ी शानदार अब यहाँ मिलती हैं, गार्बेज के पैक, ये बर्तनों का सेट, ये भी बड़ा अच्छा है, मैंने एक लिया था बहुत अच्छा लगा था। और बॉल का सेट है, ये भी आप इकट्ठा ले सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं घर में गेस्ट के लिए। आप हर तरफ देखें ये डिशों, ये वाले सेट जो हैं बड़े अच्छे लगते हैं। और अगर और ये वाला मेरे पास एक पैकेट है, बल्कि मैंने ये दो पैकेट लिए थे क्योंकि घर में गेस्ट आते रहते हैं, और थोड़ा सर्व करने के लिए ये काफ़ी है। सालन के लिए, आप सैलड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट शेप के हैं, ये वाली शेप मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और थोड़ा ओल्ड स्टाइल भी है, अच्छा लगा। आपको कैसा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये चम्मच का सेट है, मेरे पास चम्मच तो बहुत पड़े हुए हैं, मैंने चम्मच नहीं लिए। और मैं आपको बताऊं, जब आप चम्मच लें और उसको महीने बाद थोड़ा सा आप डाल के कुछ और मीठा सोडा दूसरा और उसको उबाल लें और धो लें, ज़बरदस्त होंगे। कॉफ़ी बड़ी डिफरेंट तरह की मिलती है, कॉफ़ी मेकर यहाँ बड़ी तरह के अवेलेबल हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये यहाँ बड़ा शानदार मिलता है कि अगर आपने ये एयर फ्रायर, इसमें आप दो तरह के भी मिलते हैं, ये दो तरफ का है, एक प्लेन वाला भी मिलता है। यहाँ से बहुत चीज़ें, आपको जाएँ तो आपका दिल चाहता है यहाँ घूमते रहें। जब मैं जाती हूँ मेरे 5 से 6 हज़ार तक स्टेप होते हैं, क्योंकि मैं सारा घूम घूम के देखती रहती हूँ ताकि देखूं ये कैसी चीज़ें हैं, क्या लग रहा है। आपको मेरी ये वाली व्लॉगिंग की कैसी लगी, मैं खाने के साथ साथ व्लॉगिंग भी शुरू कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा। टीवी बड़े तरह के अवेलेबल हैं और यहाँ बड़े डायमंड के इतनी चीज़ें मिलती हैं कि दिल चाहता है वो पूरा आपको ख़रीद लाएँ। लैपटॉप यहाँ अवेलेबल हैं, टीवी बड़े शानदार बड़ी तरह के अवेलेबल, फ्रिजेस, डिश वॉशर, हर चीज़ यहाँ मिलती है। आप जिस चीज़ का सोचोगे, आप घूमेंगे, आपको वही नज़र आ जाएगी। बादाम और क्या उसे कहते हैं, पिस्ताशू, बाकी जगहों की निस्बत यहाँ बहुत चीपर मिलते हैं। ये 20-22 डॉलर का पैकेट मिलता है। बहुत आप जब जाएंगे, आपका दिल चाहेगा मैं हर चीज़ ले लूँ। और अगर आप लें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपने क्या लिया वहाँ से। और मुझे वहाँ से टिश्यू पेपर मैंने लिए, वहाँ से मैंने जो है रोल लिए वो वाले, और तो और यहाँ से खाने पीने वाली चिप्स और पिज़्ज़ा का स्लाइस, वो भी आप ले सकते हैं। ये डायमंड की सारी शोकेस हैं जिस पे उन्होंने दो दो तीन तीन लॉक लगाए हुए हैं। आप उनको आस करें, वो आपको निकाल के दिखाएंगे। अगर आपने कोई लेनी हो चीज़, नहीं लेनी हो, तब भी आप देख के इंजॉय करें कि कितना शानदार है हर चीज़। मतलब आपकी बेसिक जो नीड है वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। डायमंड की भी हर चीज़ आपको जो कुछ चाहिए आप ले सकते हैं। अगर कोई एंगेजमेंट करना चाह रहा है वो ले लें। ये वाला तो मेरी बेटी ने लिया हुआ, ये बहुत ही शानदार है। इसमें मोस्टली मैं आटा ही गूंथती हूँ या कभी केक बना लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये व्लॉगिंग की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप कौन सी देखना चाहते हैं नेक्स्ट, ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।